नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे आदरणीय पूज्य गुरु जी भदन दांगुलीमाल शक्यभद्र महास्थवीर जी, आज श्रामनेर और श्रामनेरी क्यों बनना आवश्यक है। जीवन में आप एक उपासक बनना, एक उपासिका बनना महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ साथ एक श्रामनेर भी बनना, श्रामनेरी भी बनना एक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है। जिस प्रकार आप कोई एक पोस्ट पाकर के जो सुख पाते हैं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं अधिकारी बन गया, मैं ऑफिसर बन गया, जिस तरह इसका सुख आपको होता है, उसी तरह आपको श्रामनेर और श्रामनेर बनने, श्रामनेरी बनने के लिए उत्सुकता दिखाना चाहिए। बहुत से ऐसे उपासक हैं जो श्रामनेर तो बनना चाहते लेकिन व्यसन से मुक्ति नहीं पाना चाहते। बहुत ऐसे उपासक हैं जो ये भी कहते हैं कि हम शील का पालन करेंगे लेकिन तीसरा शील का पालन हम नहीं कर सकते। कोई कहता है कि हम पांचवा शील का पालन नहीं कर सकते, तो फिर आपके शील पालन में, अखंड शील पालन में गड़बड़ हो जाएगी, आपको सुख का रास्ता नहीं मिलेगा, आप भटक जाएंगे, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। दीक्षा आपको ये शिक्षा देती है कि निर्वाण पाने के लिए क्या अपनाना चाहिए, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू गेट निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे हम निर्वाण नहीं भी हो तो लेकिन सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक श्रामनेर बनना उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आप एक प्रकार से ये कोई ये कहता है कि हम बुद्ध गया जाके आए, कोई बुद्ध गया तीर्थाटन करके आया, कोई बुद्ध गया या सारनाथ या कुशीनारा, कुशीनगर या लुम्बिनी देख कर आया, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बनना श्रामनेर होता है। बौद्ध तीर्थाटन किए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम सच्चे बौद्ध हो गए। कोई धम्मपद या बुद्धारोहण का धम्म पढ़ लिया या त्रिपिटक पूरा पढ़ लिया तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्ध हो गए, बौद्ध हो गए। श्रामनेर बनना उतना महत्वपूर्ण है। जो श्रामनेर एक पाश्चात्य जगत में स्पेशली तो ईस्टर्न सदर्न ईस्टर्न जो कंट्रीज है हमारे नियर अबाउट, जो थाईलैंड है या सारना श्रीलंका है, ब्रह्मदेश है, जो जो बॉर्डर इंडिया से संलग्न थे, वो बहुत सी कंट्री बुद्धिस्ट है, कंबोडिया भी है, वहाँ पर मान्यता है श्रीलंका में ज़्यादातर कि यदि एक घर में एक उपासक जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, वह बिना चिवर के मर जाता है तो बौद्ध वह था ही नहीं, ऐसा वो मानते ही नहीं। जब तक वह छोटा बड़ा नहीं होता और चिवर धारण नहीं कर लेता तब तक वह बौद्ध नहीं। यदि आप एक बार चिवर लेते हैं तो यू आर राइट बुद्धिस्ट, यू हैव दैट राइट टू से बुद्धिस्ट, आई एम बुद्धिस्ट, आपको कहने के लिए वो अधिकार बन जाते कि यू आर बुद्धिस्ट। बहुत सारे राजस्थान के, यूपी, बिहार के, एक दो मुझे फोन आए थे, कहते कि बनते हमें दीक्षा लेने की, आपका प्रवचन हम यूट्यूब पे सुनते। दीक्षा कौन से लेने की, उपासक की दीक्षा या श्रामनेर दीक्षा, श्रमण दीक्षा, यदि यही मालूम नहीं तो आप दीक्षा लेकर के क्या शिक्षा पाओगे। श्रामनेर बनना
कोई आसान बात नहीं। भगवान बुद्ध को पुष्प माल्यार्पण करना या दीप धूप चढ़ाना उतना आसान काम नहीं होता श्राम निर्बन्न। और उससे भी कठिन बात ये कि श्रामनेर बनने के बाद क्या क्या पालन करना चाहिए, क्या क्या पालन करना पड़ता है। एक श्रामनेर कैसे बने, इसी से पहले यदि आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे श्रामनेर बनना अत्यावश्यक, तो आप पहले अच्छा गुरु का चयन कीजिए जो आपको निर्वाण का पथ प्रदर्शन करे, पथ प्रदर्शित करे, निर्वाण के पथ का दिग्दर्शन करे। ऐसे आप आचार्य को चुनना चाहिए। यदि आप गलत आचार्य के पास जाएंगे तो फिर ना शिक्षा होगी, ना अच्छी दीक्षा होगी, ना कुछ लाभ होगा, ना कुछ पल्ले पड़ेगा। जैसे तेहात काले ही काले, ऐसा आपका। तो इसी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो अच्छा गुरु हो उसी के पास हम जाएंगे और फिर दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे। क्या दसशील क्या होते उसे हम पढ़ेंगे, अच्छा उसे पठन करेंगे, पठन पाठन की व्यवस्था जा हो, अध्ययन अध्यापन की जहाँ व्यवस्था हो, वह दीक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है। दसशील के बाद जो श्रामनेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है पंचहत्तर सेकिया। सेकिया क्या होती है, चीवर कैसे धारण करें, चीवर धारण करके परिमंडल करके हम औरों के घर में कैसे जाए, बैठते समय कैसे बैठे, खाते समय कैसे खाए। इतना भगवान बुद्ध ने हमारा ध्यान रखा भिक्षु बनने के लिए, भिक्षु बनने से पहले भी, भिक्षु बनने के बाद भी। भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि जिसे श्रामनेर भी बनना हो तो एक अच्छा अनुभवी भिक्षु, ज्ञानी भिक्षु के पास 2-3 महीना रुकना चाहिए और फिर ही हमने ये निश्चय करना चाहिए कि मैं श्रामनेर बन के 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद में एक उपसंपन्न भिक्षु बनूं। यदि ऐसी आपकी सोच हो, यदि ऐसी आपकी महत्वाकांक्षा हो, तो निश्चित ही आपका जो निश्चय है श्रामनेर बनने का या श्रामनेर बनने का वो पूरा होगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि श्रामनेर बनने के बाद वतंग न परिपूरतो सीलंग न परिपूरति। जो व्रत का पालन नहीं करता, जो सील को पालन नहीं करता, अशुद्ध सीलो दुपन्योपन्या न परिमुच्यति। ऐसा अशुद्ध प्रज्ञा वाला कभी दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। यदि आपको दुख से मुक्ति चाहिए तो व्रत का पालन करो, सील का पालन करो, अशुद्ध सील से मुक्त रहो और फिर इसी से आपके दुख से मुक्तता होगी। कोई गंगा में डुबकी लगाने से कोई शुद्ध होता नहीं, ये कोई पवित्र जल पीने से कोई पवित्र आत्मा नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे बहुत तप, त्याग, तपस्या का दिन रात किया गया प्रयास होता है, महत प्रयास होता है, परिश्रम होता है, पराकाष्ठा होती है। भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि जो उपसंपन्न हो जाता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसी के लिए एक ही आदर्श होने चाहिए, बस एक तो श्रामनेर, सॉरी एक तो सारिपुत्त जी और दूसरे तो महामोग्गल्याण जी। आप श्रामनेर बने या भिक्षु बने तो भगवान बुद्ध कहते कैसे बने, किसका आदर्श आप लेना चाहिए। यदि आप श्रामनेर बनने के बाद एक तो आप सारिपुत्त जैसा बनना सीखिए, नहीं तो महामोग्गल्याण जैसा। जिस तरह हमारे एक ज़िले में कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कुछ IAS की परीक्षा दे करके कोई पास हुआ हो, DM बना हो, IAS बना हो, तो ज़िले के बच्चे कहते हैं कि देख इसके जैसा बनना चाहिए। उसी तरह से भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, यदि आपको भिक्षु बनने योग्य कोई आदर्श है तो बस सारिपुत्त और महामोग्गल्याण।
यदि आपने भिक्षु बनना डिसाइड ही किया तो आपके आसपास जो भी अच्छा ज्ञानी, तत्वज्ञानी, तार्किक जो भी भिक्षु हो, बस उसी का हमने आदर्श लेना चाहिए। हमारे जिले का न हो तो भी चलेगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो या आउट ऑफ इंडिया हो, जो भी देश का हो, उसी के जैसा बनना चाहिए, उसी के जैसा बनना योग्य रहेगा। यदि आपके पास यदि इच्छा हो, वैसी तमन्ना हो, अमन पाने की महत्वाकांक्षा हो, देन यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत का पालन करना सीखिए, शील का अखंड पालन करना सीखिए, तप का, त्याग का, तपश्चर्या का आपने अनुसरण करना चाहिए, सीखिए, देन यू हैव दैट क्वालिटी टू बिकम अ गुड मंक। तो आपके जो भी आपकी जो योग्यता है वो भिक्षु बनने के लिए परिपूर्ण है, सर्वथा योग्य है। एक भिक्षु बनने के बाद उसे 227 नियमों का पालन करना होता है जो पातिमोक्ष में उल्लेखित है। एक भिक्षुनी बनने के बाद, उपसंपन्न भिक्षुनी बनने के बाद उसे 311 नियमों का पालन करना पड़ता है। श्रामनेर बनने के बाद 10 सीलों का, 75 सीकियों का पालन करना पड़ता है, बड़ा आवश्यक, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दीक्षा हो भी गई, अच्छा गुरु का चयन भी किया, अच्छा गुरु चुन भी लिया, तो उसके बाद में आप बिहार में सुबह उठ के झाड़ू लगाना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। यदि मैं स्वयं मेरा टाइम टेबल बताऊँ तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 से लेकर के 6:15 तक चैंटिंग होती है हमारे बिहार में। चैंटिंग के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन, और फिर 6:30 तक या 7 तक रीडिंग, मेडिटेटिंग और फिर राइटिंग वगैरह, 7 से 8 बजे के आसपास नाश्ता, 8 से 11 तक फिर पढ़ाई लिखाई, 11 से 12 के अंदर भोजन, फिर 12 से 1 के आसपास थोड़ा सा रेस्ट वगैरह, या कोई 12 से लेकर के 3 तक कोई प्रोग्राम हो तो अटेंड करना, या बिहार में कोई प्रोग्राम हो तो वो अटेंड करना, फिर 3 से लेकर के 5 बजे तक फिर पढ़ाई लिखाई, फिर भंते जी की थोड़ी सेवा, कुटी जो ध्यान कुटी है, साफ सफाई करना, पोछा लगाना, 7 से 8 बजे तक फिर चैंटिंग, और फिर 8 से 9 बजे तक थोड़ा सा फलाहार करना या जूस लेना, और फिर 9 से 10 बजे तक भंते जी की सेवा करना, उनके हाथ पैर दबाना, मालिश करना, कभी जो जो हमारे मन में प्रश्न होते वाइल डूइंग सर्विस, जो भी काम करते समय या काम के बाद जो हमारे मन में प्रश्न उठते तो भंते जी को पूछना, या आज का हमारा प्रश्न है, भंते जी उसका उत्तर दीजिए, भंते जी उसका जवाब दीजिए, ये हमने करना चाहिए। यदि आपके पास श्रामनेर और भिक्षु बनने के लिए टाइम नहीं तो आप कैसे बुद्धिस्ट। इसी कारण से एक श्रामनेर बनना, एक भिक्षु बनना, एक श्रामनेरी बनना, एक भिक्षुनी बनना बड़ा बौद्ध बनने का लक्षण होता है। भिक्षु बनना हो तो आपके लिए सारिपुत्तम हामोगल्यान आदर्श भिक्षु है। यदि आपको भिक्षुनी बनना हो, श्रामनेरी बनना हो, तो आपके लिए खेमा ये भिक्षुनी आदर्श है। भगवान बुद्ध कहते हैं
कि जो भिक्षु न शील पालन करता है, न व्रत का पालन करता है, तो ये जन्म में और भविष्य के जन्म में वो नारकीय होगा। अवश्य ही उसे कोई किसी भविष्यकार की जरूरत नहीं कि तू नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, बल्कि आपका यदि इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं तो भविष्य में आप सदगति पाओगे, इसकी क्या शाश्वती है। इसीलिए इस जन्म में यदि आप बौद्ध घर में जन्म हो, जन्म लिए हो, तो आपके अंग पर 10 दिन का हो या 1 महीने का हो या 1 साल का हो, चीवर पहनना अत्यावश्यक होता है। बिना चीवर पहने जीवन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीलंका में ये परंपरा है कि यदि आपके घर में 2-3 बेटे हो, एक बेटी हो, एक बेटा हो, तो एक बेटी धम्म के लिए अवश्य देनी ही चाहिए, देते हैं। धम्म का दायाद बनते हैं। ये परंपरा आज की नहीं, ये परंपरा ईस्वीसन पूर्व 3री शताब्दी की, जब महेंद्र और संगमित्रा जो अशोक के बेटे बेटा बेटी श्रीलंका में धम्म प्रचार प्रसारार्थ हेतु गए थे, तब से परंपरा आज तक चालू है। बौद्ध बनने के बाद बौद्धों का आचरण क्या होता है? भगवान बुद्ध कोई बुक में नहीं बैठे वाले, या कोई ऊपर नहीं बैठे वाले, भगवान बुद्ध हमारे आचरण में है। बुद्ध के समय में एक वक्कली नाम का भिक्षु था, भगवान बुद्ध को देखते रहता था, प्रवचन करते समय, चलते समय, खाते समय, पीते समय, सब कुछ देखते रहता था। एक बार भगवान बुद्ध वक्कली से कहते, वक्कली तो क्या देखता है, मुझे देखने से अच्छा है धम्म को देख। धम्म को यदि तू देखेगा तो मुझे देखेगा ही, धम्म में ही मैं हूं। तब वक्कली भगवान बुद्ध को धम्म में देखने लगा। यदि भगवान बुद्ध को वक्कली देखता ही रहता तो ना निब्बान प्राप्त करता, ना अरहंत प्राप्त करता, वक्कली का जीवन सुधर गया। यदि आप श्रामनेर बन गए तो कोई बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको कुछ तो सुख पाने के लिए करना पड़ेगा, आपको सुख शांति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुख शांति कोई किसी दुकान में नहीं मिलती, सुख शांति किसी घर में तभी जन्म लेती है जब उस घर में धार्मिक आचरण करने वाले हो, धर्म से जीने वाले लोग हो, तार्किक हो, बौद्धिक हो, बुद्धिवादी हो या बौद्धवादी हो, तभी आपके जीवन में अमन आ सकता है, सुख शांति का निवास हो सकता है। एक 2-3 दिन पूर्वी एक घटना थी, एक दो तीन दिन के आसपास एक उपासक ने फ़ोन किया, भंते जी मैं वाशिम से मेडसी से मंगलूर पीर से बोल रहा हूँ, क्या बात है? बोले भंते जी, भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने हमें चिवर दिया। मैं बोला, भिक्षु ने चिवर नहीं दिया आपको? नहीं भंते जी, उपासक ने हमारे आंग पर चिवर चढ़ा दिया और 10 शील हमारे से कथन किए और फिर हमें दीक्षित किया, ना कोई हमसे शील पठन किया, ना कुछ हमें सिखाया, ना कुछ हमें बताया, बिल्कुल व्यर्थ। मैं बोला, फिर ये कैसी दीक्षा? ये कोई चिवर कोई चढ़ावा चढ़ाने की बात नहीं, जहाँ कहे गए आपको मिल गया तो आप खुशी से नाचने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। चिवर एक थेरो जो होता है, जो उपसंपदा के बाद 10 साल प्राप्त करता है, उसे हम थेरोपद घोषित करते,
जो उपसंपदा होने के बाद 20 सालों से होते तो उसे हम थेरो महाथेरो कहते। या तो थेरो आपको दीक्षित कर सकता है या आपको महाथेरो दीक्षित कर सकता है, कोई भी आपको श्रामनेर श्रामनेर भिक्कू भिक्कू नहीं कर नहीं सकता। उपसंपदा को ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, दो भिक्षु तो महाथेरो होने चाहिए, दो भिक्षु थेरो होने चाहिए और बाकी उपसंपन्न होने चाहिए, ये 10 नहीं तो 20 भिक्षुओं का संघ होना चाहिए तभी आपकी उपसंपदा हो सकती है, या 5 भी चल सकता है तभी उपसंपदा। लेकिन इंडिया में जो संस्कृति है बौद्ध संस्कृति जो श्रीलंका में थाईलैंड में है वो इधर आने में बहुत समय लगेगा, या तो हमें उधर जाना शिफ्ट होना पड़ेगा या हमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए या स्थलांतर होना चाहिए यदि आपकी इच्छा हो तो। एक बुद्ध गया का एक ऐसा ही मेरे कान पे आया कि भंते जी हम भी बुद्ध गया के एक शिविर में बैठे थे, श्रामनेरी शिविर में। श्रामनेर शिविर हुआ चलते श्रामनेर शिविर चलते समय 20-25 भिक्षुनियाँ थी श्रामनेर थे, तो हमें हमारे हाथ में जो हमारी प्रमुख भिक्षुनी थी वो हमारे हाथ में कटोरा देती थी भिक्षापात। जो महाबोधि टेम्पल है वहाँ जाने का भिक्षाटन के नाम पर कोई दूसरी भिक्षा जमा करने की ये कोई शिक्षा नहीं हो सकती। यदि आपके पास शील हो तो आप शील के विरुद्ध काम नहीं कोई कर नहीं सकते, यदि आपके पास सदाचार हो तो आप दुराचार काम नहीं कर सकते। इसी तरह आपके शरीर पर चिवर है तो आप बुराइयों वाला या दुराचारी वाला आप काम नहीं कर सकते। तो बताया कि बनते जी हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए तो श्रामनेरी संघ में नहीं मिली। जो हमें दीक्षा मिलनी चाहिए शिक्षा मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली। लेकिन हाँ संतुष्ट इस बात से है कि हमें बोधि वृक्ष के नीचे दीक्षा मिली जहाँ बुद्ध ने बुद्धत्व तो प्राप्त किया, इसी से हम संतुष्ट है। और जो 10 दिन का प्रोग्राम हुआ या होता रहा उससे हमें संतुष्टि नहीं मिली। चिवर लेना चिवर सिर्फ आंग पे चढ़ाना ये हमारा लक्ष्य नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उपासक मुझे मिले, एक दो चार बहुत सारे ऐसे उपासक कि भंते जी हमारा छोटा बेटा है, अब छोटा बेटा है तो उसके आंग पर चिवर चढ़ाना और फिर चिवर चढ़ा के फोटो निकालना और फिर चिवर उतारना गलत बात है। फोटो निकालने के लिए यदि आप चिवर चढ़ाते तो क्या बात है, आपके जीवन का मतलब ही क्या रहा है। सर बहुत सारे ऐसे आपको नमूने मिल जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे पीस मिल जाएंगे। यदि आपके शरीर पर चिवर है तो आपका लक्ष्य निर्वाण ही होना चाहिए। यदि आपके जीवन में धम्म है तो आपको सुख की कोई सुख को कोई आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सुख आपके पीछे आएगा। ना आप सुख के पीछे भागोगे बल्कि आपके पीछे सुख भागेगा। यदि आप शील के अनुसार जीवन यापन करोगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या कहते हैं उसके अनुसार आप जीवन यापन करेंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग हो या अष्टशील हो या दशशील हो उसके अनुसार आप जीवन यापन करोगे तो उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। फल की अपेक्षा छोड़ दो, कर्म पे छोड़ दो, कर्म अच्छा करो, बस यही मेरी अपेक्षा रहेगी। सभी के प्रति मेरी मंगल मैत्री, सबको भवतु सब मंगलम, अनंत साधुवाद।